तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हम बात करते हैं बीएससी फाइनल ईयर के फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में। आज आपका बीएससी फाइनल ईयर का फिजिक्स का प्रैक्टिकल है सोलर सेल या सौर सेल की सहायता से प्लंग नियतांक एस का मान ज्ञात करना। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, वो था एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड की सहायता से प्लंग नियतांक एस का मान ज्ञात करना। अब इसमें फर्क क्या है? पहली बात तो जो एलईडी पड़ा था वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है और सौर सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे सौर सेल के लिए। तो प्लंग नियतांक ये क्या है? तो मैक्स प्लंग नामक वैज्ञानिक हुआ था, उसने कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए एक नियतांक दिया था जिसे प्लंग नियतांक कहते हैं एस। ई बराबर एस म्यू, जो एस है बराबर ई अपॉन म्यू अर्थात जूल डॉट सेकंड इसका मात्रक है और उसका मान 6.6×10⁻³⁴ जूल डॉट सेकंड होता है। वो पिछले वीडियो मैंने बताया था, वही का वही है, तो वो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो मैक्स प्लंग ने दिया था। अब इसमें अलग क्या बात है? इसमें जैसे कि प्लंग नियतांक है सौर सेल की सहायता से ज्ञात करना, तो इसमें अधिक मात्रा में हम जो करते हैं डोपिंग है, हाई डोपिंग करते हैं इस प्रैक्टिकल में। हाई डोपिंग इस जो प्लंग नियतांक है इसमें हाई डोपिंग अर्थात अशुद्धता ऐड करना या इंप्योरिटी ऐड करना, इसमें हम हाई मात्रा में अधिक मात्रा में अशुद्धि ऐड करते हैं। और इसका मतलब तो डोपिंग का मतलब तो होता है अशुद्धता ऐड करना या इंप्योरिटी ऐड करना। एक आता है बायसिंग, ये दो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है। बायसिंग अर्थात बैटरी के द्वारा डीसी सप्लाई देना, ये बायसिंग कहलाता है। बैटरी के द्वारा डीसी सप्लाई देना बायसिंग कहलाता है और अधिक मात्रा में अशुद्धता ऐड करना डोपिंग कहलाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ये सौर सेल है, इसको कार्य करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए केवल एस म्यू ग्रेटर देन ईजी हो। ये सौर सेल है, इसके लिए प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए यदि एस म्यू ग्रेटर देन ईजी हो तो ये सौर सेल है ये कार्य करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में एक और बात करते हैं कि सौर सेल के लिए क्या जरूरी है। तो पिछली बार हमें एलईडी पढ़ा था, एलईडी के लिए ऐसे अर्धचालक का चयन किया जाता है जिसका वर्चित ऊर्जा अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य हो, 3 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य ऊर्जा अंतराल हो। लेकिन इस सौर सेल के लिए जो ऊर्जा अंतराल है वो 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य हो। ये एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सौर सेल के लिए ऐसे अर्धचालक का चयन किया जाता है जिसका जो वर्चित ऊर्जा अंतराल है 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य हो। अब सेकंड बात, इसकी कम लागत। तीसरा, आसानी से इसकी उपलब्धता। और चौथा, इसका उस अवशोषकता। सौर सेल के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि इसका वर्चित ऊर्जा अंतराल 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य हो, इसकी कम लागत हो, आसानी से इसकी उपलब्धता हो, उस अवशोषकता हो इसकी, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर आपने पढ़ा था जो प्लंग नियतांक, उसका मैक्स प्लंग ने नियतांक दिया था। तो यहाँ पर प्लंग का एक विकिरण नियम भी पढ़ा था बीएससी सेकंड ईयर में, तो उसके बारे में यदि पूछे कोई तो वो है यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8πhc/λ5 e^sc/λkt-1। ये है, ये प्लंग का विकिरण नियम है, यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8πhc/λ5 1/e^sc/λkt। टी है यहाँ पर परम ताप है, एस जो प्लंग नियतांक है 6.6×10⁻¹⁴ जूल डॉट सेकंड, सी की वैल्यू है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और के है यहाँ पर वोल्टेज मान नियतांक है जिसका मान होता है 1.38×10⁻³, इसकी वैल्यू 1.38×10⁻³ जूल पर किलोग्राम, और ये यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8πhc/λ5 1/e^sc/λkt-1। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस सोलर सेल या सौर सेल के बारे में। एलईडी पड़ी थी, वो एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, लेकिन ये सौर सेल है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये बात ध्यान रखें इंपॉर्टेंट बात। एलईडी है उसको अग्र बायस में जोड़ा जाता है, लेकिन इस सौर सेल के लिए कोई भी बायस की जरूरत नहीं होती।
इस सौर शेल के लिए कोई भी बायस की जरूरत नहीं होती, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब एक अगली बात, ये सौर शेल है ये फोटोडायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें कोई भी बायस की जरूरत नहीं होती और ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब ये सौर शेल को बनाने के लिए पी सिलिकॉन की मोटी परत का उपयोग करते हैं, पी सिलिकॉन। फिर ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं इसकी आपको कार्य प्रणाली और वगैरह बताऊंगा, तो इसके लिए पी सिलिकॉन की बड़ी परत का उपयोग लेते हैं। अब इसके उपयोग करते हैं, इस सोलर शेल का उपयोग, नंबर एक, जो कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह में करते हैं। दूसरा, अंतरिक्ष यानों में करते हैं। तीसरा, कैलकुलेटर और घड़ियों में करते हैं। और चौथा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। सौर शेल के उपयोग पूछे तो सौर शेल का उपयोग कृत्रिम उपग्रह में करते हैं, अंतरिक्ष यानों में करते हैं, कैलकुलेटर और घड़ियों में करते हैं, और प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। अब इस सौर शेल के बनाने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक है, तो वो मैंने बता दिया। सौर शेल को बनाने के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य हो, सेकंड इसकी कम लागत हो, थर्ड अवशोषकता हो और इसकी आसानी से उपलब्धता हो, ये इसके गुण है। अब ये वैसे पूरे हो गए, वाइवा के क्वेश्चन इतने ही बनते हैं, वैसे टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन ये जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है वो बता दिए। अब सीधा बात करते हैं डायग्राम पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लैब में हम किस प्रकार कार्य करते हैं। वैसे मैंने इसके भी 2 वीडियो डाल दिए पहले, उसमें आवाज नहीं थी, लेकिन बताया था किस प्रकार हम सर्किट जोड़ के करते हैं। तो इसमें आपको, वैसे मैं एक डायग्राम जो प्रैक्टिकल फाइल में करते हैं वो उसके बाद में बताऊंगा। तो ये इस प्रकार का प्लंग नियतांक उपकरण होता है, मैं इसके जो फोटो है वो कम्युनिटी ऑप्शन में पोस्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार का प्लंग नियतांक उपकरण होता है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, यहाँ पर अमीटर है, फिर यहाँ पर फाइंड करके 2 बटन होंगे और यहाँ पर डीसी वोल्ट लिखा हुआ है, फिर इसके नीचे 2 और बटन होंगे, वो दोनों बटन इस लैंप में जुड़ जाएंगे। तो ये इसका एक लैंप है, फिर ये एक सोलर सेल है और ये एक और माइक्रोमीटर या जो अमीटर है, ये इस प्रकार का एक और लगा हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, एक 2 रीडिंग लेनी है, एक तो ड्रेपर की और एक दूसरी लोगे, दूसरी सारणी, अभी सारणी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी। फिर किस प्रकार रीडिंग लेंगे ये बता रहा हूँ कि पहली सारणी है ड्रेपर की, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये लैंप है, इस लैंप को देखना है। इस सर्किट को स्टार्ट करते ही ये है ना वोल्ट मीटर, ये कोई काम का नहीं है, इस वोल्ट मीटर और इस अमीटर को यूज में लेंगे। तो सर्वप्रथम आपको इस सर्किट को स्टार्ट करते ही ये वोल्ट मीटर है, इसका मान बढ़ाओगे तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश आएगा। वो पहले एक और वीडियो में मैंने बताया था, इस लैंप में थोड़ा सा आपको प्रकाश दिखाई देगा, जैसे ही वो प्रकाश दिखाई दे थोड़ा सा मामूली, तो यहाँ पर वी का और आई का वैल्यू दोनों नोट कर लें, इसके लिए ये ड्रेपर की रीडिंग आ जाएगी। उसके बाद में सेकंड सारणी के लिए आपको क्या करना होगा, फिर ये अमीटर है, ये यूज नहीं लेना है, फिर आपको क्या करना होगा, ये लैंप है, इस लैंप का प्रकाश इस सोलर सेल पे गिरा है, इसका प्रकाश इसके ऊपर गिरा है, और फिर क्या करना है, ये डार्क रूम का प्रैक्टिकल है, इसकी रीडिंग है वो टॉर्च के द्वारा देखी जाती है, रूम के अंदर अंधेरा होता है, तो फिर आपको करना क्या होगा, इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएं और इसके अंदर प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और टॉर्च को तिरछी करके इस अमीटर की रीडिंग लें, फिर ये अमीटर की और वोल्टेज की रीडिंग दोनों लें, तो ये सेकंड सारणी के लिए रीडिंग होगी। तो जो आप प्रैक्टिकल फाइल में करोगे वो डायग्राम इस प्रकार का, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट, ये सोलर सेल, यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर अमीटर, यहाँ पर बैटरी, यहाँ पर प्रतिरोध, तो ये देख लें। वैसे वो जोड़ना किस प्रकार है वो पहले मैंने बताया, वो ध्यान में रखें आप, जरूरी होगा। अब उपकरण, सोलर सेल, टंगस्टन फिलामेंट, लैंप, डीसी पावर सप्लाई और माइक्रो ऑपरेटर, वोल्ट मीटर, संयोजी तार है, तो ये इस प्रकार के उपकरण है। तो अब बात करते हैं सूत्र व सिद्धांत की। सूत्र व सिद्धांत, उसमें जो सूत्र था वो अलग था, इसमें जो सौर शैल के में प्लंग नियतांक एस के लिए अलग फॉर्मूला है, एस बराबर 2.303 लैम्डा 0 के अपॉन सी इंटू डेल्टा लॉग 10 आई अपॉन डेल्टा 1 अपॉन टी जूल डॉट सेकंड, ये है सूत्र। इसमें लैम्डा 0 है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वो है 6220 एंगस्ट्रम,
एंगस्ट्रम बढ़ता 10 की घात -10। उसके बाद में के जो वोल्टेज मान स्थिरांक है या नियतांक 1.18 × 10⁻²³ जूल पर किलोग्राम। सी जो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये डेल्टा लॉग टेन आई अपॉन डेल्टा 1/t, ये लॉग आई और 1/t के मध्य ग्राफ खींचेंगे उसकी ढाल है। फिर प्रेक्षण में कमरे का ताप टी आर जो 27 डिग्री या 25 डिग्री आप कमरे के अनुसार मान सकते हो, उसको कैलविन में बदलोगे तो 273 + 27 300 कैलविन। फिर अल्पतमांक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट रास अपॉन भागों की संख्या 10/10 = 1 UA। तो ये थी आपकी सूत्र व सिद्धांत। तो अब बात करते हैं प्रेक्षण सारणी की। ड्रेपर बिंदु का फिलामेंट का प्रतिरोध आर आर ज्ञात करने के लिए सारणी है और आर आर की ये वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी होगी। तो ये सारणी पहले जरूरी है, उसके बाद में ये। तो ये सारणी अब किस टाइम बढ़ाएंगे, जिस टाइम जो मैंने प्लैंक कांस्टेंट का उपकरण बताया था आपको इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या है, पहले मैंने बताया था जो अलग से लगा हुआ आपका अवमीटर था वो यूज नहीं लेना है आपको, और जो लैंप है उसमें वीडी और आईडी की वैल्यू बढ़ाते जाएं। लैंप में थोड़ा सा प्रकाश आते टाइम इस वीडी और आईडी की वैल्यू नोट करें। वीडी वर्ड में, आईडी एम्पियर में, ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा प्रकाश ले टाइम दो रीडिंग ले वीडी और आईडी की। फिर आरडी बराबर ओम के नियम से वीडी अपॉन आईडी ओम, तो आरडी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आपको आर आर की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है, आर आर बराबर आरडी कोष्ठक टी आर अपॉन 800 ओम 1.2 इसके घात में है। तो आरडी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, टी आर जो कमरे का तापमान था 300 केल्विन, 800 1.2, तो दो वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों का माध्य ज्ञात कर लोगे आर आर। फिर ये सेकंड टेबल फॉर लॉग टेन आई और 1/t के टेबल है। इसमें क्या करना होगा आपको, अब इसमें दो रीडिंग किस प्रकार लेनी है, ये तो लोगे उस उपकरण प्लांक में जो ये रीडिंग ली उसी प्रकार, और ये रीडिंग में आई की ये रीडिंग आप लोगे जो अलग से लगा हुआ माइक्रोमीटर है उसमें। तो पहले आप फिर वही बात जो परक्रम करेंगे पहले किया था वही, लैंप में प्रकाश बढ़ाते जाए और वीटी और आईटी की वैल्यू नोट करते जाए। वीटी की वाट में आ जाएगी, आईटी की एम्पियर में। फिर आरटी बराबर ओम के नियम से वीटी अपॉन आईटी, आरटी की वैल्यू आ जाएगी। फिर टी बराबर टी आर कोष्टक आरटी अपॉन आर आर 0.833। टी आर की वैल्यू वो फिक्स थी 300 केल्विन और आरटी की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब आर आर की वैल्यू ये रखोगे फिर 0.833, फिर आप टी की वैल्यू आ जाएगी, फिर 1/10⁻⁴ कर लोगे। फिर आई की वैल्यू जो अलग से लगा हुआ माइक्रोमीटर है उसमें नोट करोगे कितनी आती है, फिर उसके अल्पतमांक से गुणा करोगे और फिर उसका लॉग निकाल दोगे तो लॉग टेन आई आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्राफ गणना और परिणाम की। तो अब हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। अब आपको क्या करना है, लॉग टेन आई और 1/t × 10⁻⁴ के मध्य ग्राफ खींचोगे तो इस प्रकार सीधी रेखा आएगी। फिर आप दो बिंदु निकाल दोगे और फिर इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस निकालोगे तो वो डेल्टा 1/t आएगा, और इन दोनों के मध्य डिफरेंस निकालोगे तो डेल्टा लॉग टेन आई आएगा। फिर ढाल बराबर डेल्टा लॉग टेन आई अपॉन डेल्टा 1/t, वो हमने पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें था, तो ये ढाल आ जाएगी। फिर आपको गणना में किस प्रकार करना है, एस का फॉर्मूला था 2.303 × जो लैम्डा जीरो का मान 6220 × 10⁻¹⁰ जो एंगस्ट्रम में बदल दिया, के की जगह 1.38 × 10⁻²⁷ रख दिया, सी की जगह 3 × 10⁸ रख दिया, फिर ढाल की जगह जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर ढाल का मान रख दें तो आपका एस का मान आ जाएगा। परिणाम सोलर सेल की सहायता से प्लंग नियतांक एस का मान प्राप्त हुआ। एस प्रायोगिक जो आपका आंसर आता है वो यहाँ पर निकले, जो एस सैद्धांतिक है वो 6.6 × 10⁻³⁶ J/s है। तो ये दोनों लगभग सिमिलरली बराबर आए तो ये आपका प्रयोग सत्यापित होता है। इस प्रकार ये आपका प्रैक्टिकल खत्म हुआ। धन्यवाद।